हेलो, हेलो सैयद वसीम रिजवी साहब से बात हो रही है? तो जी, बोल रहा हूँ तुराब न्याजी बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी। तो राव जी बताएं। एक न्यूज आपकी चल रही है, आपने एक मूवी शायद बनाया है, ये राम जन्मभूमि पर कुछ जी आप बनाइए आपका ही है वो। जी, बनाइए। तो क्या मुसलमानों को पूरे मुल्क में बदनाम करने का ठेका उठा रखा है क्या? इससे मुसलमानों के ऊपर बात तो है ही नहीं, कुछ जो बैड कैरेक्टर हैं उनके ऊपर पिक्चर है। जब तक आप पिक्चर देखेंगे नहीं, बैड करेक्ट नहीं, आपने आप कैसे उसमें मुसलमानों को उस पर आप टारगेट कर रहे हैं? तक आप आपकी अपनी पिक्चर नहीं राजनीति। देखेंगे, नहीं, मैं जब तक आप पिक्चर नहीं पिक्चर क्या, देख सकते, जब तक आपके नहीं समझ में आएगा। मैंने नाम शुरू में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, तुराब न्याजी नाम है, दिल्ली के आप ओखला में तुराब रहता न्याजी हूँ। बोल रहे हो, चाहे आप कोई न्याजी बोल रहे हो, मुझे नहीं इससे कोई नहीं मतलब नहीं है। आप मेरी बात सुन मुझे लीजिए, आपकी मूवी मैं रिलीज नहीं होने दूंगा, बड़ी वो जिम्मेदारी के साथ। कलकत्ता में आप सेंसर बैठे बोर्ड हैं। देखेगा, आप नहीं हाँ, तो देखेंगे। सेंसर बोर्ड आपकी दलाली तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने देखिए, ऐसा एक इस बात आप कहिए, लोगों ने पहले तो एक बात समझिए। आप अपनी जबान को लगाम दे के बात कीजिए, बहुत इज्जत से इज्जत बात कर रहा हूँ सर, से मैं बात बहुत कीजिए। इज्जत कर रहा बेहतर ये हूँ। होगा, तुराब साहब को भी मुसलमानों के बारे में अच्छा सोचने का इख्तियार हासिल है और उस पर बोलने का भी इख्तियार हासिल है। मैं एक एक उस इंसान से लड़ूंगा जो जो इस मुल्क के भाईचारा को खतरा होगा, और जो जिसने जिसने हमारे हमारे अपने कौम की, चूंकि अपने घर से काम शुरू हुआ, हमारे कौम की ठेकेदारी ले रखी है। टीवी पे बैठ के ये जो लोग डिबेट में इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, इस्लाम के आई से, वो उनको पता नहीं, उनको ना खुद इस्लाम पता है, उनके घर वालों को पता है। मगरिब से ईशा के बीच में बैठ तुराबी के दोनों साहब, नमाज को छोड़ने तुराबी वाला वो साहब, इस्लाम की बात करेगा? आप हमको बैड कैरेक्टर के उसमें मत देखिए। कैसे नहीं देखूं सर, आपके हर एक स्टेटमेंट खिलाफ ले जा रहे हैं आपके। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है, आप सत्ता के साथ हैं, मुझे खुशी है, अरे हर जगह हर सत्ता लोग की जिसके बात लिए आप नहीं फ्रीडम है, है, लेकिन सत्ता इसका की ये बात मतलब नहीं नहीं कि आप है। इस कौम के हमने जज्बात को आप मेरा देखते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा बता दिए जो मुसलमानों के खिलाफ हो। आपने इस मूवी में जिस तरीके से बदनाम किया है, बिल्कुल भी आपकी मूवी मुसलमानों नहीं को कहीं चलेगी। पर से भी बदनाम इस मूवी में सिर्फ नहीं मुसलमान किया को गया। नहीं, ना ना ना, मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, आपने हाँ दोनों को जिस तरीके से आपने दिखाया है, दोनों दोनों लोगों की जो नफरत आप लोग भड़का रही है, 2019 की तैयारी इस बाबरी मस्जिद पे मत कीजिए, आप राम उसको मंदिर पे समझ मत रहे हैं, कीजिए। इसका आप समझ फैसला रहे कोर्ट हैं। में होगा, वो कोर्ट में होगा। कोर्ट में होगा, अगर आपके लेकिन अंदर कोर्ट ताकत में है तो सूबे में आपकी सरकार है, मुल्क में आपकी सरकार है, आप बना लीजिए, किसी को कोई हाँ, तो एतराज नहीं। मुसलमानों को आप कटवा लोग दीजिए, भड़का रहे ये हैं, आप कहिए ना। फिर बनवा तो हटवा लीजिए, दीजिए। बनवा तो लीजिए। वो तो जो हाँ जैसे टूट गई वैसे बन भी जाएगा, फिर बात इसकी हाँ नहीं है। लेकिन फिर हाँ मुसलमान को कटवा भी दीजिए, ये भी कहिए। वो तो कटवाने का जिम्मा आप लोगों ने लिया है ना। अरे वाह, मुस्लिम पहली बार बसल्ला। मैं जिस मसले के लिए मैंने आपको कॉल किया था, फिर मैं एक बार बता दूं सर, ये इसके ऊपर आप एक बार फिर से सोच लीजिए, वरना आप एक बहुत बड़े आंदोलन को दावत दे रहे हैं, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है साहब, मैं शुक्रिया फिर आपका। से, मैंने बताया था नाम, फिर बता दे रहा हूँ आपको, आपको जो मेरे खिलाफ जैसा मैं लगा हो बिल्कुल कीजिए। आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूं। ना ना, आपको नहीं, करने का पूरा हक है, मैं बिल्कुल क्योंकि मैं आपके आपके खिलाफ कुछ खिलाफ नहीं कर करने रहा हूं। जा रहा मेरा हूँ। आपका डिस्कशन हुआ है, मैंने हाँ, न आपने डिस्कशन मुझे में कुछ। दाएं, ठीक है, रखिए। ठीक, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में रोड़ा बने कट्टरपंथी को ये अब खलने लगा है कि जो हमने राम जन्मभूमि पर एक पिक्चर बनाई है, यानी कि हमको उस पिक्चर बनाने से पहले उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी। हमको सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर गालियां दी जा रही हैं, हमको धमकाया जा रहा है। अभी मेरे पास एक फोन आया था जिसमें हमसे कहा गया कि ये पिक्चर एक तो हम रिलीज नहीं होने देंगे, अगर रिलीज होती है तो तुम एक बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहो। देखिए, मैं किसी चीज से डरने वो धमक धमका किसी भी धमकी में आने वाला नहीं हूं। ये मैंने पिक्चर समाज की बुराइयों के खिलाफ बनाई है, हमारा संघर्ष समाज की बुराइयों से है और वो जारी रहेगा। पिक्चर सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद रिलीज जरूर होगी।